नमस्कार, वक्त खबर असरदार का है। मैं हूं अपर्णा मौजम। प्रधानमंत्री मोदी 17 दिसंबर को काशी दौरे पर आ रहे हैं, जहां उनके स्वागत की पूरी तैयारियां चल रही हैं। अपने दौरे के दौरान वो उमराह जाकर मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, जहां वो एक बार फिर काशी को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी काशी में लगातार आते रहे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि 18 दिसंबर को वो उमराह जाएंगे, जहाँ वो स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुर्खियों में आए इस मंदिर के बारे में लोगों के मन में काफी उत्सुकता है, साथ ही लोग इस मंदिर की खासियत भी जानना चाहते हैं। अब स्वरवेद मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। ये 7 मंजिला मंदिर है। कहा जाता है कि पीएम मोदी की मां भी स्वरवेद मंदिर की अनुयायी रही हैं। इसे सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी कहा जा रहा है। पीएम मोदी महामंदिर के 100वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। कितने साल में मंदिर बनकर तैयार हुआ और करीब कितने वर्ग फीट में ये मंदिर है और क्या खासियत है इसकी बनावट को, इसकी वास्तु को लेकर बहुत चर्चा है इस वक्त देश में। वर्ष 2004 से दिसंबर महीने से जब हम अगहनी उत्सव मनाते हैं, तो वहाँ से इस महामंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ वर्ष 2004 से। लगभग 20 वर्ष होने को हैं और अब यह निर्माण पूर्णता की ही तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। प्रथम तल का तो निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, आगे के तलों का भी कार्य पूर्णता की ही तरफ है। तो आप देख रहे हैं ये जो नक्काशी हुई है, ये पिंक सैंड स्टोन है जो राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना बंसी पहाड़पुर नामक स्थान का है। ये वही पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले हैं। एक एक पत्थर को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है, संवारा गया है। हमारी भारतीय स्थापत्य कला का यह अद्भुत उदाहरण यह स्वरवेद महामंदिर है। आधुनिक तकनीक और प्राचीन स्थापत्य कला से सवारे गए इस महामंदिर में 20,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। बेहतरीन स्टोन मार्बल और अत्याधुनिक लाइटें मंदिर की सुंदरता बढ़ाती हैं। कमल के फूल के आकार में निर्माणाधीन 180 फीट के महामंदिर में 2 अत्याधुनिक सभागार हैं। लगभग 2.5 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में 80,000 वर्ग फीट पर निर्माण हुआ है। महामंदिर में 135 फीट ऊंची सदगुरु की सैंडस्टोन की प्रतिमा है। स्वरवेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व और वेद। स्व का अर्थ है आत्मा और वेद का अर्थ है ज्ञान। स्वरवेद महाग्रंथ को ही समर्पित है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी साधना से इस ब्रह्म विद्या के विमल ज्ञान को प्रकट किया है और उसे आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद में अभिव्यक्त किया है। तो लगभग 4,000 दोहे हैं जो सभी तलों पर श्वेत मकराना संगमरमर पर लिखे जा चुके हैं। एक बात और, इसके आस पास नहर भी जा रही है, वो उसका क्या प्रयोजन है इस मंदिर से? नहर तो बहुत पहले से ही जा रही वो स्थित है और जल का भी एक अद्भुत स्रोत है। लेकिन हमारा यह जो महामंदिर है हम सबों का, यह पूर्वाभिमुख है। तो और कुछ भूखंड की हमें आवश्यकताएं यहाँ प्रतीत हो रही है, जिससे बाहर का जो ये सौंदर्यीकरण का कार्य है वो हम अच्छे ढंग से और कर सके। तो बहुत योजनाएं हैं, अभी प्रथम चरण का लोकार्पण होगा, आगे की योजनाओं में अभी बहुत कार्य किए जाने हैं। महामंदिर का निर्माण साल 2014 से शुरू हुआ था। है कि यहाँ पर जो 21 कुंडीय महायज्ञ हुआ था, अब 25,000 कुंडीय होने जा रहा है, यानी कि मेडिटेशन सेंटर के रूप में, मेडिटेशन केंद्र के रूप में ये देश में सबसे बड़ा मंदिर भविष्य में होने जा रहा है। कैमरा पर्सन अक्षय आदोपेन द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी।
काशी नगरी की छटा निराली है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। शिव की नगरी में जश्न है। फिजा में महादेव का उद्घोष है। काशी में उत्सव जैसा माहौल है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज से ठीक 2 साल पहले बनकर तैयार हुआ था। काशी धाम के 2 साल पूरे होने पर यहां अलग ही रौनक छा गई है। काशी विश्वनाथ धाम शंख और डमरुओं की थाप से गूंज उठा। इस दौरान काशी पहुंचे श्रद्धालु भी शिव भक्ति में रमे हुए नजर आए। शंख डमरुओं की गूंज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जिसके बाद तो काशी आना श्रद्धालुओं के लिए किसी बड़े वरदान सा हो गया। कॉरिडोर के बनने से बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना बेहद ही आसान हो गया है। देश ही नहीं, 7 समंदर पार तक काशी नगरी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। महज 2 सालों के अंदर करीब 13 करोड़ श्रद्धालु बनारस पहुँचे हैं। काशी में इस वक्त भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। भगवान शिव से लगाव उन्हें यहां खींच लाया है। इसी के साथ ही पिछले 2 सालों में श्रद्धालुओं के लिए न्यासपीठ सुविधाएं देता आया है। श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। विश्वनाथ के 2 वर्ष जो पूर्ण हुए, उसमें आप सबका भी अतुलनीय योगदान और सहयोग था। सभी जितने भी श्रद्धालु आए, उनका सबका भी सहयोग था कि सफल कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इन 2 सालों की अगर यात्रा को देखा जाए तो शुरू से लेके जब धाम बना था तब से अब तक हमने बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको सुदृढ़ किया है और आगे भी इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाता रहेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा के भक्तों के लिए सुविधा और बाबा के दर्शन के लिए समय समय पर निरीक्षण के दौरान निर्देश देते रहते हैं। धाम के लोकार्पण से अभी तक 15,930 से ज्यादा विदेशी भक्तों ने विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए बुकिंग कराई थी। पिछले साल की तुलना में इस साल इनकी बुकिंग 2 गुना से भी ज्यादा है। क्रियाकलाप को बेहतर बनाना है, श्रद्धालुओं को अच्छा मौका देना है कि वो आए, धाम में आए और दर्शन पूजन करें, जिससे निश्चित रूप से अगर श्रद्धालु वाराणसी आते हैं तो उसका धार्मिक के पहलू के साथ साथ आर्थिक पहलू भी, आर्थिक बढ़ोतरी निश्चित रूप से हुई। और ये इनका आंकड़ा करने के लिए तमाम जो बाह्य एजेंसियाँ हैं वो कर रही हैं, जिला प्रशासन है इससे, लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आगे और भी बेहतर पड़ेगा जैसे जैसे धाम में और ज़्यादा व्यवस्थाएँ बढ़ती जाएंगी। इतना ही नहीं, बाबा विश्वनाथ को भक्तों ने दिल खोल कर दान दिया है। 2 साल में 100 करोड़ का चढ़ावा आया है। इसमें कैश के साथ सोना, चांदी और दूसरी चीजें भी शामिल है। अच्छा, तो कैसा लगा? पहली बार आई है? पहली बार आई, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा, बाबा के दर्शन मिला आपको? हाँ जी मिला। अच्छा, क्या बोला आपने बाबा से, क्या मांगा आपने? बस कि मेरी पढ़ाई अच्छी चलती रहे, सब मेरी फैमिली अच्छी रहे। काशी विश्वनाथ धाम में ग्रंथालय, जलपान, गंगा द्वार, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की सुविधाएं भी मिल रही हैं। इसी तरह काशी में हर गुजरते दिन के साथ श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वाराणसी से न्यूज 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। साल 2014 में देश में बीजेपी की सरकार बनी। पीएम मोदी काशी से चुनाव लड़े और लगातार 2 बार जीते। 9 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद काशी की तो सूरत ही बदल गई। महादेव की नगरी में देश विदेश से सैलानी उमड़ रहे हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए।
जहां कण कण में भगवान शिव का वास। जिस शहर में गंगा की पवित्रता बसती हो, जहां भक्ति में ही शक्ति हो, जो शहर भारत की परंपरा की शान बढ़ाए वो काशी ही है। साल 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से काशी का तो पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं। बीते 9 साल से ज्यादा वक्त में पीएम के 42 से ज्यादा दौरों ने काशी की सूरत बदल दी है। अपनी पुरातन काया के साथ बनारस ने विकास की नई ऊंचाइयां पाई है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया के विकास की रफ्तार थम गई थी, उस वक्त भी बनारस में विकास की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा। विकास योजनाओं की बदौलत ही बनारस का नया रूप दुनिया के सामने आया है। अयोध्या में जश्न शुरू हो गया है और निमंत्रण कार्ड से लेकर तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। लेकिन खास बात यह है कि अयोध्या के इस भव्य कार्यक्रम के लिए काशी भी तैयार हो रही है। कैसे, इसको इस तस्वीर से समझिए। काशी के इस नमो घाट पर मैं खड़ा हूं, जहां पर दो बड़े हेलीपैड बनकर तैयार हैं। ये दोनों पक्के हेलीपैड हैं जहां पर एक साथ कई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकती है। इसके अलावा कच्चा हेलीपैड भी बनाया गया है और यहाँ पर ये देखिए कच्चा हेलीपैड भी बनाया गया है, यानी कि काशी से अयोध्या 1.5 से 2 घंटे में जो भी टूरिस्ट जाना चाहेंगे वो जा सकते हैं। साल 2014 में पहले बनारस में भी दुश्वारियां कम नहीं थी। सड़कें जर्जर, बिजली पानी का संकट तो आम बात थी, लेकिन समय ने करवट ली और ये कहना गलत नहीं होगा कि बेहद कम वक्त में किसी शहर में बड़ा बदलाव आया तो वो है काशी, जो दूसरे शहरों के लिए एक मिसाल है। शहर भर में लटकते तार परेशानी का सबब थे, लेकिन विकास की राह पर चलते हुए लटकते बिजली के तारों को गायब कर दिया गया। पीएम मोदी वाराणसी में दुनिया के कई दिग्गजों को घुमा चुके हैं। G20 सम्मेलन की 6 बैठकों से काशी का मान देश दुनिया में बढ़ा है। अगर मैं लैंडमार्क अचीवमेंट की बात करूं, तो लैंडमार्क अचीवमेंट में देखिए, एक तो गंगा के घाट जिनका सौंदर्यीकरण का प्रयास बहुत ठोस तरीके से किया गया, कई नए घाट अपने अस्तित्व में आए, जिसमें आप नमो घाट से लेकर उधर पीछे रविदास घाट और उन सब की आप चर्चा करते। कला और संस्कृति तो काशी की सांस में है। काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार और सौंदर्यीकरण बीजेपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। रोजगार के मौके भी बढ़े, ठेला पटरी वालों से लेकर होटल ट्रैवल्स आदि सभी व्यवसाय को बूस्ट मिला। चाहे रोड के बदलाव को देख लीजिए, आज हर जगह फ्लाईओवर बन गए हैं, रोडें बढ़िया हो गई हैं, गड्ढा मुक्त हो गई हैं, प्लस विश्वनाथ कॉरिडोर के बन जाने की वजह से टूरिज्म बढ़ गया। आज हर जगह के लोग काशी आ रहे हैं, यहाँ तक कि होटलों में कमरे खाली नहीं मिल रहे हैं लोगों को। काशी के विकास में सड़क परिवहन पर काफी जोर दिया गया, हर क्षेत्र के लिए सौगात दी गई। हर आदमी के मन में उत्सुकता है कि हम इस कॉरिडोर को देखें और बाबा का दर्शन करें। पहले लोग साल में एक बार आया करते थे बनारस में दर्शन करने, आज हर 3 महीने में सोचते हैं कि एक बार दर्शन बाबा का हो जाए। रोड की कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी हुई पिछले 9 साल में, जो कि बनारस के अगल बगल हर तरफ आप आसानी से आ जा सकते हैं। अपना गाड़ी हो तो ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा बहुत अच्छी होगी। पर्यटन की अपार संभावनाओं को समेटे बनारस ने धार्मिक पर्यटन को नया आयाम दिया है। बुनकर और साड़ी कारोबारियों को भी सहूलियतें मिली हैं। सबसे पहले तो बनारसी साड़ियों का बहुत ज्यादा डिमांड है कि हर कोई आएगा तो होटल्स का बड़ा है, हर कारोबार यहाँ का बड़ा है। यहाँ छोटे छोटे जो तबके के लोग थे उनका कारोबार काफी जंप कर गया है और लोग यहाँ कोई भूखा नहीं रह गया है काशी का। और सबसे बड़ी बात, जब से योगी सरकार आई है, योगी सरकार ने इतना हम लोगों को प्रोटेक्ट कर दिया व्यापारियों को, जैसे गुंडा टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, पहले बहुत था, अभी एकदम शांतिपूर्वक लोग व्यापार कर रहे हैं हमारे। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद पूरे देश और दुनिया से करोड़ों लोग काशी पहुंचे। क्या आपको नया चेंज जो आपको पॉजिटिव लगा? बिफोर 5 ईयर हम लोगों ने इसकी वीडियोस देखी थी जो बहुत ही डिफरेंट थी, लेकिन आज हम लोग आके बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है।
तो इसलिए हम लोगों ने अपना स्टे दो दिन के लिए और बढ़ा दिया है। दो दिन के लिए स्टे और बढ़ा दिया है। बनारस में बचपन में आने पे मुझे गंगा में स्नान करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इतनी गंदगी होती थी। जी। पर आज मैं आती हूँ तो लगता है कि नहीं, पहले रहता तो मैं शायद तैरना भी सीख जाती। काशी नगरी में विकास की बयार बह रही है और विकास के पहिए यहाँ पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। वाराणसी से न्यूज 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुले में मास्क की बिक्री और तेज लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया। उधर सरकार के फैसले पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने निशाना साधा है। नए फरमान के बाद कैसे कांग्रेस हो गई बेचैन, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में मास्क बिक्री और लाउड स्पीकर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। उज्जैन में नगर निगम ने खुले में मास्क बेचने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर अशोक नगर में 4 डीजे संचालकों पर कार्रवाई की गई। सरकार के आदेश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। एक तरफ प्रशासन एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ सरकार के फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार के फैसले को भ्रम फैलाने वाला बताया। उमंग सिंघार ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का नहीं आरएसएस का एजेंडा है। देखिए, दोनों फैसले ऐसे हैं जिसका कोई स्वागत नहीं करेगा, क्योंकि स्वागत करते महंगाई पर, अगर ये बात करते नौजवानों के रोजगार पर, ये किसानों पर, तो हम लोग स्वागत करते। ये फैसले केवल भ्रम फैलाने वाले हैं। इन तमाम चीजों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का सब पालन करते आ रहा है, वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन नहीं मानेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ प्रतिबंध करा? उसमें तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध का शब्द का इस्तेमाल मेरे ख्याल से नहीं करा। और अध्ययन कर ले, ये मुख्यमंत्री जी का एजेंडा नहीं है, ये आरएसएस का एजेंडा है। और मैंने तो मेरे ट्वीट के माध्यम से कहा था कि सबसे पहले महाकाल से शुरुआत करें, आप महाकाल से हो, उज्जैन नगरी से, तो वहां पर जो शुल्क लगता श्रद्धालुओं को, वो क्यों नहीं बंद कर रहे? कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगार युवाओं पर सरकार क्या नीति बना रही है, ये जरूरी है। मेरा तो इसमें ये राय है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए शिक्षा के ऊपर। और शिक्षा हम ऐसी दें जिसके माध्यम से जो हमारे आज शिक्षित युवा हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, भाजपा के रास्ते परेशान रहे हैं, जिनको ये वादा दिया गया था कि 1,00,000 नौकरियां दी जाएंगी 2023 में, जो नहीं मिल पाई युवाओं को, उसके लिए जो वर्तमान सरकार है, नए मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बारे में वो क्या कहेंगे, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने के लिए क्या नीतियां बनाएंगे, क्या कदम उठाएंगे, इस पर सुनना चाहते हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, सबको कानून के हिसाब से चलना होगा। तो कांग्रेस को क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर से इतनी मोहब्बत है क्या? कहना क्या चाहती कांग्रेस? कौन से लाउड स्पीकर? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करेगी कांग्रेस? लाउड स्पीकर दुनिया नियंत्रण कानून है भारत में, कोलाहल एक्ट है, उस एक्ट का पालन नहीं करेंगे। और अगर सरकार ने निर्णय लिया तो उनको हर चीज पर आपत्ति होने लगी। कांग्रेस से पूछ कर करेंगे? तुम्हारा माइक बज रहा है सुबह से, लोगों बच्चों की परीक्षाएं चल रही, जब जिसकी मर्जी होती है माइक चलाने लगते हो, जब जिसकी मर्जी होती है छाती पीटने लगते हो। मध्य प्रदेश में फिलहाल खुले में मास्क बिक्री और लाउड स्पीकर पर लिए गए फैसले पर सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है तो प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं ग्वालियर में जयभान पवैया ने कांग्रेस पर हमला बोला और सरकार के फैसले पर जो सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं उन पर पलटवार करते हुए कहा कि हार के बाद भी आखिरकार किसके साथ खड़ी है कांग्रेस, सवाल है। और पूछा है कि क्या कसाईयों के साथ खड़ी है कांग्रेस, आखिरकार कांग्रेस को सद्बुद्धि क्यों नहीं आ रही, जयभान पवैया का सवाल। और कहा कि सीएम के इन आदेश के बाद, इन फैसलों के बाद सनातनियों की आत्मा गदगद है। कांग्रेसियों को आपत्ति हो रही है कि हम मांस और अंडे की खुली बिक्री पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि इतनी करारी पराजय के बाद भी कसाईयों के पक्ष में फिर खड़े हो रहे हो, सद्बुद्धि नहीं आती कांग्रेसियों को? देखिए, मैं मध्य प्रदेश के
नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरे जैसे सनातनी की आत्मा तो आज गदगद हो गई है। मध्य प्रदेश में मोहन राज के आगाज के साथ ही अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। लोगों को अब इंतजार है मोहन मंत्रिमंडल का, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग से कई विधायकों के नाम पर चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश में नई सरकार के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बार ग्वालियर चंबल से जीते विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले चंबल इलाके से दो फेज सीएम की चर्चा में थे, लेकिन उनकी आस पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में अब मंत्रिमंडल को लेकर जीते हुए विधायकों को पार्टी से उम्मीदें हैं। सबसे पहले बात उनकी करते हैं जो सबसे आगे हैं। ग्वालियर विधानसभा से प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाह, मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से ऐंदल सिंह कसाना, भिंड विधानसभा से नरेंद्र कुशवाह, मेहगांव विधानसभा से राकेश शुक्ला, शिवपुरी विधानसभा से देवेंद्र कुमार जैन और कोलारस विधानसभा से महेंद्र सिंह यादव मंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा करेरा विधानसभा से रमेश खटीक, गुना विधानसभा से पन्नालाल शाक्य और अशोकनगर जिले से मुंगावली विधानसभा से ब्रजेंद्र सिंह यादव भी मंत्री पद की रेस में हैं। बीजेपी के कई नेता ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के बड़े नेताओं को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में ये नेता भी मंत्रिमंडल के लिए बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। भितरवार विधानसभा से मोहन सिंह राठौर ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और चार बार के विधायक लाखन सिंह को हराया। लहार विधानसभा से अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू साल 1990 से लगातार विधायक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को हराया है। पिछोर से प्रीतम लोधी जीते हैं। ये सीट कांग्रेस का अभेद किला मानी जाती थी, लेकिन चूंकि पहले भी ग्वालियर चंबल संभाग को अच्छा प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिला था, तो इस बार भी मुझे लगता है कि अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। और इस अंचल का निवासी होने के नाते मेरी अपेक्षा भी है, मेरी आशा भी है और आग्रह भी है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रिमंडल पर्याप्त समय यहाँ से मिले। उधर कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर चंबल में कामयाबी के बाद उम्मीद थी कि बीजेपी यहाँ से सीएम बनाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब उम्मीद ये है कि मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। जी जी, उम्मीद तो मुख्यमंत्री की भी थी। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, सिंधिया जी थे, काफी आशा थी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री होगा तो कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र लगातार अन्य क्षेत्रों से पिछड़ता जा रहा है। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री हैं तो उम्मीद की जाती है कि ग्वालियर चंबल से भी नए लोगों को मौका दिया जाए। ग्वालियर चंबल अंचल से साल 2020 में 9 मंत्री बनाए गए थे, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री शामिल थे। 2018 की तुलना में इस बार बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में रिकॉर्ड 18 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में यहां से 7 से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं, हालांकि फैसला आलाकमान को करना है। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर। वहीं लाडली बहनों ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भावुक कर दिया। शिवराज सिंह चौहान गुरुवार शाम को विदिशा के बाढ़ वाले गणेश मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। जैसे ही उनके वहां पहुंचने की जानकारी लगी, मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में महिलाएं मौके पर पहुंची और शिवराज तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं के अलावा बहनों का भाई कैसा हो, शिवराज भैया जैसा हो के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद महिलाएं शिवराज सिंह से निपट कर रोने भी लगी। आप तस्वीरों में देख ही पा रहे होंगे कितनी भीड़ यहाँ पर है। शिवराज सिंह चौहान भी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक गए। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैसे वो अपने बाजू से अपने आंसुओं को पोंछ रहे हैं, चश्मा हटाते हैं, आंखों से आंसू पोंछते हैं और महिलाएं उन्हें घेरे हुए हैं। भैया
आपको मत दे भैया। अरे तो भैया, तो हमारा भैया कैसा हो, शिवराज चौहान जैसा हो, इनारे भी वहां पर लगाए और बड़ी संख्या में देखी किस तरह से लाडली बहनें यहां पहुंच गई और भावुक हो गई और शिवराज सिंह चौहान को भी भावुक कर दिया। जहां जहां शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं उनके प्रति अपना आदर जाहिर करने के लिए तमाम जो स्थानीय महिलाएं हैं वो भी पहुंच जाती हैं और अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली भेजी गई है डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की सूची। सूत्रों के मुताबिक कल हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, शनिवार को मंत्रियों की शपथ हो सकती है। मोहन सरकार का 18 तारीख से शुरू होना है विधानसभा का विशेष सत्र। मंत्रिमंडल की सूची बनाई गई है, कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं, कई पुराने मंत्री बाहर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मुहर के बाद कल देर शाम इसका ऐलान किया जा सकता है। कुछ नामों को लेकर अभी भी पार्टी के अंदर खींचतान जारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, कई पुराने लोगों को बाहर किया गया है और अभी इसे मंजूरी के लिए दिल्ली भेजा गया है। बड़ी खबर, डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में कौन कौन होगा इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था और अब ये जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि लिस्ट तैयार कर ली गई है और दिल्ली भी भेज दी गई है। कल ऐलान हो जाएगा, यानी कि कल कैबिनेट का एक्सटेंशन हो जाएगा, कल सामने आएंगे वो नाम कौन कौन डॉक्टर यादव की कैबिनेट में होंगे। कहा जा रहा है कई नए चेहरों को एंट्री दी गई है, कई पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और ऐसे में अभी भी कुछ ऐसे नाम है जिनको लेकर खींचतान जारी है। और हमारे साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इनपुट एडिटर सुधीर दीक्षित जी जुड़ रहे हैं भोपाल से। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, अभी तक सूत्रों के लिहाज से जो जानकारी मिली है उसके तक ये बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल की सूची जो है वो तैयार हो चुकी है मध्य प्रदेश में और जो कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके की बातें की जा रही है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो जल्दी हो सकता है और साथ साथ ये बातें कही जा रही है चूंकि 16 तारीख से मलमास हो जाएगा, करीबन एक महीने तक ये मलमास चलेगा, वहां पर कोई शुभ काम नहीं किया जाता ऐसा माना जाता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कल जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें सूची को अगर शीर्ष नेतृत्व मंजूरी दे देता है मंत्रियों की सूची को तो वो मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने की संभावना नजर आ रही है। खास बात ये है इसमें देखने वाली कि कई जो पुराने मंत्री हैं, कई चेहरों को बदलने की जो है वो अटकलें लगाई जा रही है। सूत्र ये भी बता रहे कि कई चेहरों को इसमें बदला जा सकता है और कई नई और युवा चेहरों को इसमें जगह दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, जिस तरीके से आपने देखा होगा अपर्णा कि सीएम का चेहरा जिस तरीके से सरप्राइज दिया था शीर्ष नेतृत्व ने, जिस तरीके से डिप्टी सीएम सरप्राइज हुए हैं उसी तरीके से मंत्रिमंडल में भी कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलने की उम्मीद यहाँ पर जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो इसी के साथ खबर असरदार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मेरे सहयोगी पुनीत जुड़ी रहिए।